गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न साइंस इन क्लास थर्ड। आज हम लोग कक्षा तीन में विज्ञान विषय पढ़ेंगे। अब देखिए, क्लास थर्ड में साइंस सब्जेक्ट साइंस में, ठीक है, क्लास थर्ड साइंस, यहाँ लिख दे रहे हैं SCIENCE, ठीक है। अब हम क्लास थर्ड में साइंस सब्जेक्ट में लेसन चैप्टर टू भाग वन चैप्टर पार्ट दो में भाग वन पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ, तो चैप्टर थ्री में है पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट का नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट मीन्स होता है भाग, ऑफ प्लांट माने पौधे, पौधे के भाग, पौधे के कितने भाग होते हैं, कौन कौन भाग होते हैं, उसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधों के भाग। अब यहाँ हम प्लांट्स का फिगर बनाए हैं। देखिए यह प्लांट है, ठीक है, और यह फ्लावर है, फिर लीफ है। फ्लावर मीन्स होता है फूल, फ्लावर मीन्स फूल, लीफ मीन्स होती है पत्ती। फिर यहाँ देखिए ये फ्रूट है, FRUIT, फ्रूट मीन्स होता है फल। फिर यह जो है यह स्टीम है, स्टीम मीन्स होता है तना, ठीक है। यहाँ भी लिखिए फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, यह लीफ है। अब यहाँ क्या है, इसको बोलते हैं रूट, ROOT, रूट, रूट मीन्स जड़। देखिए जड़ जो है ज़मीन के अंदर रहती है, प्लांट का रूट यह ज़मीन के निचले भाग में होती हैं और ऊपर शूट होता है। शूट में यही स्टेम, ब्रांच, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, यह सब होते हैं। तो यहाँ जो है आप ब्रांच, यह ब्रांच है, ठीक है, शाखा, आप इसको जो है इंडिकेट कर सकते हैं ब्रांच के नाम से, BRANCH, ब्रांच, क्योंकि उसमें शाखाएँ प्रशाखाएँ सब निकलती रहती हैं पौधों से। तो पौधों को पार्ट, पौधे का पार्ट देखिए यही जड़, ब्रांच, तना, फूल, फल, पत्ती, यही सब पौधे के विभिन्न भाग हैं। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए यह जड़ है, ठीक है, जड़ हमेशा ज़मीन के नीचे की तरफ होती है, वह क्योंकि वह मिट्टी से वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करके पौधों को प्रदान करता है। अब देखिए और जड़ का कार्य क्या है, यह पौधों को स्थिर करने में सहायता करती है, क्योंकि मिट्टी को वह जकड़ करके पकड़ती हैं जिससे पौधों को कोई नुकसान न हो, पौधा गिरने उड़ने से बचाया जा सके। अब आप देखिए यह रूट, ROOT, रूट, रूट मीन्स जड़। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। अब देखिए कि
पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब इसकी हिंदी मीनिंग देखिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स मीन्स भाग, ऑफ प्लांट में पौधों का भाग, विच ग्रो, विच माने जो ग्रो मीन्स वृद्धि करता है, ठीक है, उगता है, बिलो नीचे, द ग्राउंड जो जमीन के नीचे वृद्धि करता है, इज कॉल्ड रूट, रूट कहलाता है, जड़ कहलाता है। आई बात समझ में? फिर देखिए, पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे वृद्धि करता है वह रूट कहलाता है, या जमीन के नीचे जाता है, ठीक है, जमीन के नीचे ग्रो करता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, उसे हम जड़ कहते हैं। अब आप समझिए कि जड़ दो प्रकार का होता है, एक होता है टाइप रूट और दूसरा होता है फाइबरस रूट। अब टाइप रूट मीन्स होता है मूसला जड़, जो एकदम जमीन में सीधे जाता है और उसमें से टाइनी रूट्स निकलते रहते हैं, छोटे छोटे रूट निकलते रहते हैं, लेकिन एक जो टाइप रूट होता है सीधा जमीन के बहुत अंदर गहराई तक जाता है, वहाँ से वह मिनरल लेता है, तो वह अधिक समय तक जीवित रहने वाला पौधा होता है। अब कुछ पौधों में केवल फाइबरस रूट ही पाया जाता है। तो आप देखिए कि अब आगे टाइप्स ऑफ रूट, रूट के प्रकार में आप देखिए TYPES ऑफ रूट, रूट के प्रकार, जड़ के प्रकार। तो पहला है टाइप रूट, टाइप रूट मीन्स मैंने बताया कि मूसला जड़। अब देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रूट देयर इज वन मेन रूट एंड मेनी टाइनी रूट्स ग्रो फ्रॉम इट। इन दिस टाइप, इन दिस टाइप मीन्स होता है इस, इन दिस टाइप, इस तरह ऑफ रूट, देयर इज नो मेन रूट वन मोर, इस तरह के जो मूसला जड़ होते हैं, इस तरह के, इस प्रकार के जड़ों में केवल एक मूसला जड़ पाया जाता है। एंड मीन्स और, मेनी टाइनी रूट्स ग्रो, और कई छोटे छोटे जड़ जो है उस पर वृद्धि करते हैं, उगते हैं, फ्रॉम इट, मूसला जड़ से। यही देखिए यहाँ क्या है, यह टाइप रूट है, ये टाइप रूट है, तो इनसे जो ये निकली है छोटे छोटे टाइनी रूट्स हैं, यह इस पर छोटे छोटे जो रूट निकले हैं मूसले जड़ से, तो यह इनका मदद करते हैं, ये मूसले जड़ का, मूसला जड़ टाइप रूट की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, टाइप रूट उदाहरण के माने देखिए क्या है इसमें, कॉटन, COTTON कॉटन, मस्टर्ड, मस्टर्ड आप लोग सुने होंगे, मस्टर्ड, सरसों, सरसों का भी जैसे पेड़ को उखाड़ेंगे जब, तो उसमें देखेंगे कि लंबा सा जो है टाइप रूट रहता है और उसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी रूट रहते हैं, बीन, ETC इत्यादि। अब आगे देखिए, दूसरा है फाइबरस रूट, फाइबरस रूट क्या है, ये झकड़ा जड़। तो पढ़िए मेरे साथ, इन दिस टाइप ऑफ रूट देयर इज नो मेन रूट, इस प्रकार की जड़ों में मुख्य जड़ कोई नहीं होता है, कोई मेन जड़ नहीं होता है, सेवरल रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम, सेवरल कई प्रकार के जड़ ग्रो उगते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम, स्टेम तने के अंतिम छोर से कई प्रकार के रूट निकलते हैं। जैसे आप देखिए प्याज वाज देखे होंगे, प्याज में छोटे 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 रूट ऐसे निकलते रहते हैं, ठीक है, जैसे
प्याज हो गया है, तो यहाँ देखिए छोटे छोटे यहीं से निकल, कोई मेन रूट नहीं रहता है। तो आगे देखिए, अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ग्रास लाइक ग्रास, जैसे घास, ओनियन प्याज, व्हीट गेहूँ, एंड राइस चावल, इटीसी इत्यादि। इसमें क्या पाए जाते हैं, फाइबरस रूट होते हैं, स्टीम के इंड से ही टाइनी रूट क्या कहते हैं, ग्रो करते हैं। अब आप इसको पढ़ लीजिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अब इसका कार्य क्या है, ठीक है। अब इसको सब दोहरा लीजिए यहाँ से, ठीक है, फिगर भी आप ड्रा करिए, बनाइए इसको और सब इंडिकेट करिए कहाँ क्या है, फ्लावर लीफ फ्रूट रूट स्टेम ब्रांच, ठीक है। अब अगले वीडियो में आगे बताएंगे आप लोगों को इसका कार्य क्या है। थैंक यू।